कश्मीर की बात करी जाए, कश्मीर में जिस हिसाब से वहां पर लोगों के साथ में जो भी हुआ है, 14 के बाद में बात कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर टूरिज्म देखिए, व्यापार देखिए, पर्यटन देखिए, सबका सब नीचे जाता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं उसके, उसके ऊपर भी समझने की बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, अरे देखिए इन्होंने जो बोला कांग्रेस एक ही है, राजीव गांधी की गलत नीति, शहनवाज भाई सेवन में वही, शहनवाज भाई अभी आपने क्या बोला अपने भाषण में, पहले स्टेटमेंट में आपने पाकिस्तान का नाम लिया, क्या आवश्यकता पड़ गई, बिना पाकिस्तान का नाम लिए कुछ बोला ही नहीं जा सकता, आवश्यकता क्या पड़ गई है कि बिना डिफेंस आर्मी की बात करें कुछ भाषण नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं, राजनीति घुस गई है, क्या आवश्यकता पड़ गई है कि हमें इस तरह का माहौल बनाया जाए। शहनवाज हुसैन साहब के साथ इस आज की डेट में कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों को कश्मीरी धोखा मत दीजिए, कश्मीरी हमारे देश की शान बान शान है, मुल्क के लोग कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। अरे आप छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा है लोगों के साथ में, आपको जिस चीज के लिए मैंडेट मिला था उस पर बताइए, चलिए आपने मैंडेट मिला था 370 370 हट गए, खत्म करके के बारे में कुछ बताइए, पीओके के बारे में क्या बात कर रहा है, उसके ऊपर कुछ बोल दीजिए, उसके बारे में ज्ञान है हमें, किस चीज के बारे में बोल दीजिए, यहाँ पर ये होना है भावनाओं के साथ खेलने से कुछ आपको जो आवश्यकता है शहनवाज भाई, यहाँ पर जो कश्मीरी लोग है वो भी भारतीय है, हर कोई भारतीय है। कल मैंने एक बयान सुना बीजेपी के विधानसभा के यूपी के एक, उनका वो क्या कह रहे हैं, कश्मीरी लड़कियों से शादी करो, क्या ये बयान अच्छे होते हैं, क्या जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है यहाँ पर कश्मीर की जमीन और कश्मीर की लड़कियां, क्या ये बयान अच्छे लगते हैं, शहनवाज भाई आप ये बताइए इसके बारे में, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भड़काते हैं, भड़काते हैं जो बयान है बीजेपी का, आपने बोल दिया बयान नहीं दिया, आप बताइए बयान के ऊपर आपने क्या उसको निंदा करता हूँ, अरे घोर बीजेपी का बयान नहीं है तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए, किसी को इजाजत नहीं, अगर निंदा करते हैं तो एकदम कार्रवाई करेंगे, बात का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार किस बात का शहनवाज भाई, पूरा मुल्क देख रहा है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, एक सेकंड साहब आप बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है इफ्तिखार साहब ये जगह और प्लेसिंग की एक सेकंड सहमत नहीं है, पोजीशनिंग का असर है क्या, बड़े सॉफ्ट लग रहे हैं आप शहनवाज जी, तो मुझे लग रहा है दिल मिल रहे हैं सामने है, कब करेंगे, ईद होते होते मुझे यकीन है दिल मिल जाएंगे, अंजना जी हमने पहले से ही दिल मिलाए थे, बड़े नाराज थे ना, आप लोग हमें गैर समझ रहे हैं, मिस्टर सिंह प्लीज हाईजैक मत कीजिए बहस को, और किसी को बोलने दीजिए, अंजना जी हमारे दिल कब नहीं मिले, आप ये शोर में सुना नहीं, एक मिनट इनकी विषय आप देखिए, जब शुरू आपकी डिबेट तो कहां से शुरुआत की, जो सरकार आज बैठी हुई है उसने कहां से स्टार्ट किया, गले मिलकर स्टार्ट किया, और कांग्रेस का हाल देखिए, प्रवक्ता जैसे ही बोले हैं मुंह से क्या बोले हैं, क्या भड़काने वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, यहां से आप सोच सकती हैं। दूसरी बात अंजना जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 370 धारा की बात हो रही थी, उससे पहले एनएसए को आप देखिए, आज तक का कोई रिकॉर्डेड एनएसए हिस्टोरिकल एनएसए क्या पर्सनली जाकर घाटी में से लोगों के साथ हूबहू हुआ, उसने भोजन किया वहां के लोगों के साथ, क्या आरडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे या जो भी थे, उसके बाद दूसरी पार्टी जो मिलिट्री वाले लोग थे, सीआरपीएफ के लोग थे, उनके साथ बातचीत